السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد رکوع اور سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے تو عام طور پر ہم تمام لوگ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں اور سجدے میں ہے سبحان ربی العالی پڑھتے ہیں تو کیا رکوع اور سجدے میں इन दोनों तस्बीह के अलावा क्या दूसरी दुआएं भी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? इस हवाले से लोगों के दिलों में जो है आजकल खलिश डाली जा रही है कि कुछ नाम निहाद लोग ये कहते हैं कि रुकू और सजदे में क्या है, दूसरी दुआएं भी पढ़ सकते हैं, सुभान रब्बी अल अजीम की जगह दूसरी दुआएं भी पढ़ सकते हैं, सुभान रब्बी अल आला की जगह दूसरी दुआएं भी पढ़ सकते हैं। इससे आम लोग जो है ये बिल्कुल शक को शुबा में पड़ जाते हैं कि आखिर हम तो इतने दिनों से सुभान रब्बी अल अजीम पढ़ते आ रहे थे, सुभान रब्बी अल आला पढ़ते आ रहे थे और यही बताया जा रहा था, तो इसकी क्या हकीकत है? क्या फर्ज और नफल नमाज दोनों की तस्बीहों में जो तस्बीह पढ़ी जाती है रुकू और सजदे में उसमें दूसरी तस्बीह पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? इस हवाले से मैं चंद बातें आपके खिदमत में हदीस के हवाले से जिक्र करूं, उसके बाद क्या है आपके सामने मैं मसाइल जिक्र करता हूं। देखिए, सबसे पहले हदीस पाक में यह जिक्र किया गया है, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 817। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और सजदे में कसरत से ये कलमात पढ़ा करते थे। कौन से कलमात? अल्लाहुम्मा गफिरली, सुभान का अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दे का अल्लाहुम्मा गफिरली। और तो लिहाजा ये हदीसे पाक एक है, यानी कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, फसब्बी बिहम्दे रब्बी का वस्तगफिर, यानी अल्लाह की क्या करो, हम्द बयान करो अपने रब की और उससे मगफिरत चाहो, बस अपने रब की हम्द व तस्बीह बयान करो और उससे मगफिरत तलब करो। ये सूरह नस्र की आयत करीमा है। इस आयत करीमा में तीन अम्र का जिक्र किया गया है। सबसे पहले यह है कि अल्लाह की तस्बीह, उसके बाद हमदे बारी ताला और तीसरा जो है इस्तिग़फार। तो पस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात अपने रुकू और सुजूद की तस्बीह में इन तीनों बातों को क्या है ख्याल रखते हुए कुरान पाक की मुताबिअत करते हुए क्या है किया करते थे, यानी अल्लाह की हमद भी बयान करते क्या है अल्लाह की हमद और क्या है अल्लाह की तस्बीह बयान करते और क्या है मगफिरत के लिए जो दुआएं होती वो किया करते थे। अब इसका यह मतलब नहीं निकाल लेना कि मगफिरत की जो दुआ करते थे अल्लाहुम्मग़फिरली, अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, तो यहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मगफिरत नहीं, बल्कि ये लफ्ज जो है तालीम उम्मत के लिए कहा गया है ताकि उम्मत मेरी मुताबिअत में अपनी मगफिरत क्या है अल्लाह तबारक व तआला से चाहे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 971 से लेकर के 978 तक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू और सजदे में क्या है कई दुआएं करते थे, जैसा कि सबसे पहली दुआओं का जिक्र यह किया गया अल्लाहुम्मग़फिरली ज़म्बी, यानी ये अल्लाह मेरी तमाम छोटे और बड़े अगले और पिछले जाहिर और पोशीदा ज़ुनूब को बख्श दे, यानी गुनाहों को बख्श दे। और दूसरी रिवायत में यह जिक्र किया गया है सुभानका व बिहम्दिका अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, यानी तेरी जात हर ऐब से पाक है, तू ही हर तारीफ के लायक है, मैं तुझसे अपनी बख्शिश का तलबगार हूं और मैं अपने गुनाहों की माफी के लिए तेरी तरफ रुजू करता हूं। और एक जगह रिवायत किया गया है सुभानक रब्बी व बिहम्दिका अल्लाहुम्मग़फिरली, ए मेरे रब तू हर ऐब से पाक है, तू ही हर तारीफ के लायक है, ए अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा। और यह सब तालीम उम्मत के लिए कहा गया है, कोई ये ना समझे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मगफिरत, क्योंकि अल्लाह के नबी तो मासूम है, ये बिल्कुल मुतहक्कक बात है। और दूसरी रिवायत में कहा गया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, इसका माना है कि अल्लाह की जात हर आयब से पाक है और वही हर तारीफ के लायक है, मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ और मैं हर गुनाह से माफी के लिए उसी की तरफ रुजू करता हूँ। और एक रिवायत में है सुभानका व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता, और एक रिवायत में अल्लाहुम्मा औजु बिरिज़ाका मिन सख़तिका व बिमुआफातिका मिन अफूवतिका व औजु बिका मिनका ला उख्सी सनाअन अलैका अंता कमा उसनी ताला नफ्सिका, ए अल्लाह मैं तेरी नाराजगी से बचकर तेरी रजा की पनाह में आता हूँ और तेरी सजा से बचकर
तेरी माफी की पनाह में आता हूँ और तेरी गिरफ्त से बचने के लिए तेरी आगोश रहमत की पनाह में आता हूँ और मैं तेरी तारीफ का इहाता नहीं कर सकता। तेरी कमाल सना वही है जो तूने खुद अपनी जात के लिए जिक्र किया है। और एक रिवायत में है, सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ए अल्लाह तू हर ऐब से बहुत पाक है, तेरी जात हर नुक्स और ऐब से बे इंतहा पाकीजा है और तू तमाम फरिश्तों और जिब्रील अमीन का भी रब है। तो अब ये रिवायतों से तो ये बात बिल्कुल जाहिर तौर पर मालूम हो रही है कि रुकू और सजदे में क्या है, आप दूसरी तस्बीह पढ़ सकते हैं। इसी बुनियाद पर उलमाए किराम के अलग अलग अकवाल मिलते हैं हमें, क्योंकि अहादीसें मुख्तलिफ है, अहादीसें क्या है मुख्तलिफ है। तो जब अहादीसें मुख्तलिफ है तो इसमें क्या है उलमा का इख्तलाफ हो गया। बाज उलमा कहते हैं जिसमें कि इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इसहाक रहमतुल्लाह अलैह और इमाम दाऊद ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक फर्ज नमाज हो या नफल नमाज हो, हर नमाज के रुकू और सजदे में जितनी दुआएं चाहें आप कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सुभान रब्बियल अज़ीम ही पढ़ा जाए उनके नजदीक, बल्कि और जो दुआएं मासूरा हो, यानी जिस दुआ का सबूत कुरान में मिलता हो या जिस दुआ का सबूत अहादीस में वारिद हुआ हो, उन दुआओं को रुकू और सजदे में क्या है कर सकते हैं। ये इमाम शाफई और दिगर उलमाए किराम का इस बात पर फतवा है। और हजरत इब्राहिम नखई रहमतुल्लाह अलैह और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, एक रिवायत के मुताबिक इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, यानी ये तो है और एक रिवायत के मुताबिक इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक सुन्नत ये है, यानी उनके नजदीक फर्ज और वाजिब भी नहीं है बल्कि सुन्नत ये है कि रुकू में तीन बार सुभान रब्बियल अजीम पढ़ा जाए, तीन मर्तबा सुभान रब्बियल अजीम पढ़े और सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़े, सुभान रब्बियल आला पढ़े। तो और इसके अलावा कोई कलमात का क्या है इजाफा न करे, क्यों न करे। और फरमाते हैं कि अगर पढ़ना ही है तो बार बार इसी कलमात को क्या है दोहराता जाए, क्यों, इसलिए कि सुभान रब्बियल अजीम में जो है पाकी भी है अल्लाह की, तस्बीह भी अल्लाह की, और अहादीस में जो वारिद हुआ है, इनकी दलील यह है कि अहादीस में जो वारिद हुआ है ऐसे कलमात का जिक्र किया गया है जिसमें कि क्या है अल्लाह की पाकी भी बयान की जा रही हो और क्या है अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द भी बयान किया जा रहा हो। और जब अल्लाह की पाकी और अल्लाह की हम्द बयान किया जा रहा हो तो जितने छोटे अल्फाज में अल्लाह की हम्द बयान की जाए वही बेहतर है। लेकिन अगर इनके नजदीक भी कोई अगर बढ़ा देता है, कोई अगर क्या है बढ़ा देता है और वही दुआ जो कि मासूर है अहदीस और कुरान में अगर वो दुआएं पढ़ता है तो बिल्कुल कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन एक बात का ख्याल रखा जाए कि इमाम को चाहिए कि मुख्तदी का ख्याल करते हुए रहे, क्योंकि अहदीस में मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस भी बुखारी शरीफ में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर इमाम को चाहिए कि अपने पीछे मुख्तदी का ख्याल रखे, क्योंकि हो सकता है कि मुख्तदी जो है आपके पीछे जो है कुछ बूढ़े भी हो, कुछ बूढ़े भी हो या कुछ बीमार भी हो, अगर ज्यादा देर तक आप सजदे और रुकू में रहेंगे तो उनको तकलीफ पहुंच सकती है। तो इमाम को चाहिए कि रुकू और सजदे में क्या है उनका ख्याल रखे, ऐसे ही किरात में भी क्या है उनका ख्याल रखा जाए। और इससे क्या हो जाएगा, अगर उनका ख्याल रखेंगे तो इससे जमात में शामिल होने की अहमियत और दिगर लोग जो मुख्तदी क्या है जमात में शामिल होते हैं वो उनको जुस्तजू मिल जाए कि वो क्या है आए। और अगर आप ज्यादा देर तक आप रुकू और सजदे में तस्बीह पढ़ते जाएंगे तो उनका दिल हो सकता है मुतनफिर हो जाए और वो फिर क्या है जमात को छोड़कर अपने घरों में नमाज पढ़ने के लिए क्या है आमादा हो जाए। तो इस बात का क्या रखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा, इस बात को ज़हन में रखें। और ये जो सारी तसरीह की गई है ये उम्दतुल कारी के जिल्द 6 सफा नंबर 101 पर और सफा नंबर 100 पर इसको जिक्र किया गया है। तो पता ये चला कि हर एक चीज में जो है इमाम को ख्याल रखना है, लेकिन एक बात ये ज़हन में रखना है कि जो भी नमाजें हुआ करती है उस नमाजों में क्या है आप दिगर तस्बीह भी कर सकते हैं। और एक रिवायत जो के जब अहादीसे मुख्तलिफ है तो मैंने आपको सोचा कि मतलब तफसील से बना बयान कर दिए, अहादीसे मुख्तलिफ है तो इस हवाले से
उलमा इकराम फरमाते हैं, जैसा कि अल्लामा साहिब हिदाया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि नमाजी नमाज में सिर्फ उन कलमात के साथ दुआ मांगेगा जो कुरान और सुन्नत के कलमात के मुशाबे हो। कुरान के कलमात की मिसाल जैसे रब्बना ला तुज़िग कुलूबना इला आखिरी या रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये सब दुआएं मांगेगा, या क्या है ऐसी दुआएं मांगेगा जो अहादीस के मुताबिक, अहादीस के अल्फाज हो। जैसे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे ऐसी दुआएं बताएं जो मैं अपनी नमाज में अल्लाह से मांगू, अल्लाह से क्या करो मांगू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यूं दुआ मांगो, कौन सी दुआ, कि ए अल्लाह मैंने अपने आप पर जुल्म किया और तेरे सिवा कोई गुनाह का माफ करने वाला नहीं, बस अपने फजल से मेरे गुनाहों को माफ फरमा और मुझ पर रहम फरमा, क्योंकि तू बख्शने वाला नहायत मेहरबान है, बख्शने वाला नहायत मेहरबान है। और बहुत सारी अहादीसें हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से भी है कि अल्लाह के नबी ने उनको दुआएं सिखाई है। और अल्लामा निजामुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कौन फतावा आलमगीरी में जिल्द एक सफा नंबर 100 पर, कि क्या है आप कोई भी दुआएं कर सकते हैं, लेकिन क्या है देखिए एक बात का ख्याल रखा जाए कि हमसे ज्यादा अहादीस को समझने वाले जो है उलमा और मुहद्दिसीन है, उलमा और क्या है मुहद्दिसीन है। तो कोई अगर शाफई हो या हम्बली हो तो वो अपने कौल की बुनियाद पर क्या है वो उनके उनके ताबे होते हुए उनको क्या है उनकी इताअत करते हुए क्या है उनके कौल पर अमल करें, और जो हनफी हैं उनके कौल पर अमल करें। लेकिन अगर कोई पढ़ देता है तो उससे ये नहीं कहा जाएगा कि उनकी नमाज नहीं होगी, लेकिन बेहतर यही है कि जब सुन्नत ये कहा गया है, सुन्नत ये कहा गया है, तो उन्होंने इन अहादीसों को गौर व फिक्र करके अपनी जगह सोचा होगा, देखा होगा, और हमसे ज्यादा क्या है अहादीस को जानने वाले हैं। इसीलिए जो अगर सुभान रब्बियल अजीम जो पढ़ते हुए आ रहे हैं या सुभान रब्बियल आला पढ़ते हुए आ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, यही सुन्नत है। लेकिन क्या है अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसमें कोई हर्ज की बात